Hello guys, welcome to RIMS Academy. In this video we will discuss some problems on straight lines. ठीक है, कुछ problems देखेंगे straight line पर. So हमारी first problem है, if points O 0 0 and A 3 comma root 3, B 3 comma A are vertices of equilateral triangle. देन ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए की वैल्यू पूछी गई है. ठीक है, तो इक्वल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, चार तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ठीक है, तो ओ ए की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे ओ ए. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन, यानी रूट थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर. ठीक है, ये क्या आ जाएगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ठीक है, तो ओ बी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन. ठीक है, एंड रूट थ्री क्या हो जाएगा, एंड अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. ठीक है, तो थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, नाइन से नाइन कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री. ठीक है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं. ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट थ्री. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज. ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल मेड बाई ए 0 0, बी 3 comma 4, सी 2 comma 3 एंड डी 0 comma 2 इज. ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की वर्टेक्स दी गई हैं. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कि क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कोइंसिडेंट होते हैं. ठीक है, यानी मिड पॉइंट होते हैं. ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए और सी का हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट. ठीक है, सो यहाँ पर निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी वन. ठीक है, एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यानी थ्री बाई टू. ठीक है, वन कामा थ्री बाई टू. ठीक है, एंड इसका एंड मिड पॉइंट निकालेंगे सी डी का. ठीक है, बी सी बी डी का. ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री प्लस जीरो बाई टू, यानी थ्री बाई टू कामा थ्री. ठीक है, थ्री बाई टू कामा थ्री. ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट. सो ये दोनों जो मिड पॉइंट हैं, ठीक है, तो ये हमारे कोइंसिडेंट नहीं हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मिड पॉइंट कोइंसिडेंट नहीं है तो वो हमारे अवर तो वो हमारे चार स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेलोग्राम एंड रैम्बस में से नहीं होगा. ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, यहीं से छोड़ देंगे. तो यहां पर लिख देंगे मिड पॉइंट नॉट मैच्ड. ठीक है, सो नॉट इन आवर फोर. ठीक है, तो ये अपने चार में नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 1, 2 एंड 5, 8 एंड अदर डायगोनल इज 2x + y + c इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ c. ठीक है, तो इसमें वैल्यू ऑफ c पूछी गई है. ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट दिया गया है 1, 2. ठीक है,
अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या और ये वाला पॉइंट कितना है, 5.8, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, एंड अदर डायगोनल इज 2x + y + c, ठीक है, जो हमारी अदर डायगोनल है उसमें इक्वेशन दी गई है लाइन की, ठीक है, तो डायगोनल हम लोग ड्रा करेंगे, ये हमारी डायगोनल होगी, ठीक है, और ये वाली डायगोनल ये वाली होगी, ठीक है, और इस डायगोनल की जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, 2x + y + c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है, हमें पता है मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होता है, ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो क्या आएगा, मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 1 + 3/2 यानी 4/2 यानी 2, 2 + 8 यानी 10/2 यानी 5, 2, 5 इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट, ठीक है, अब अगर मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होगा तो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इस लाइन पे लाई करेगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + y + c, ठीक है, तो x की स्थान पर हम लोग 2 एंड y के स्थान पर 5 को पुट कर देंगे, तो आएगा 2 × 2 + 5 + c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 5 + c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज c इज इक्वल टू आ जाएगा -11, ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, c की वैल्यू, ठीक है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में हमसे मांगा था, ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग दियर मीडियन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ मीडियन इज पी एंड क्यू, ठीक है, तो एरिया बताना है ट्रायंगल का, ठीक है, अभी तो मैंने एरिया का फार्मूला नहीं बताया है, तो हम लोग जो पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं तो उसी की सहायता से हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसकी मीडियन, ठीक है, तो ये इसकी मीडियन है, ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहां पर ए, ये बी है, ये सी है, एंड ठीक है, और इसको दे देते हैं जी, ठीक है, और क्या उसने क्या कहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों मीडियन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, इसमें नहीं है बट उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल होगा, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ मीडियन इज पी, ठीक है, जो लेंथ है मीडियन की वो पी है, यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या है, पी है, ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है वो क्या है, क्यू है, ठीक है, तो यहां पर जो मीडियन की प्रॉपर्टी ये क्या होगा, ये हमारा होगा सेंट्रोइड, ठीक है, मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रॉयड, एंड सेंट्रॉयड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है, यानी सेंट्रॉयड डिवाइड मीडियंस 2:1, ठीक है, यानी ये दो, यानी ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी 2π/3, ठीक है, 2π/3, ठीक है, तो
हम लोग इसको साफ साफ लिख देते हैं दूर, ठीक है। जो बी जी की लेंथ आ जाएगी, बी जी, तो उसकी लेंथ क्या आ जाएगी बी जी की, 2/3 पी, ठीक है। तो 2/3 पी, ठीक है, ये पूरा पी है। और ये सेकेंड वाला मतलब ये 2वां हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, ठीक है। तो ये वाला कितना बचेगा, 2/3 पी, ठीक है। एंड ए जी, तो ए जी क्या आ जाएगा, ए जी भी आ जाएगा, ये क्यू आएगा, एंड ये आएगा 2/3 पी, ठीक है। तो ये आ जाएगी पी, ये आ जाएगी क्यू, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिला देते हैं तो ये देखिए, बी जी सी, सी जी ए जी बी, तीनों ट्रायंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करें, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, इसको ये लिख सकते हैं ना। तो ए जी बी यानी ए जी बी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 × फार्मूला लगा दें, क्या होता है, 1/2, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस कितना है, बी जी, बी जी कितना है, 2/3 PQ, यानी इंटू 2/3 Q × हाइट, हाइट कितनी है, 2P/3, ठीक है, 2P/3, ठीक है। यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2PQ/3, ठीक है। क्या आएगा, 2PQ/3, ठीक है, 2PQ/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने केवल स्ट्रेट लाइन में केवल डिस्टेंस फार्मूला को ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल इफ बी सी इज इक्वल टू 2, ए सी इज इक्वल टू 3 एंड मीडियन ए डी बी ई आर सच दैट ए डी परपेंडिकुलर टू बी ई, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, एंड ये इसकी मीडियन हो गई ए डी एंड बी ई, ठीक है। तो ये इसकी मीडियन हो गई ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको मीडियन की लेंथ दी थी, इसमें हमको साइड्स की लेंथ दी गई है। तो बी सी की जो लेंथ है वो 2 है, ठीक है, एंड ए डी एंड ए सी की लेंथ 3 है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है, जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो ये वाली ए जी है, इसको हम लोग मान, हमको पता है कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं 2 μ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है। और एंड इसको मान लेते हैं लेमडा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2λ, ठीक है। इसको लेट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेट ए जी बराबर 2 μ एंड जी डी बराबर म्यू, जी ई बराबर लेमडा एंड बी जी बराबर 2λ, ठीक है। क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स 2:1, ठीक है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ठीक है। एंड उसने कहा है कि ये जो मीडियंस हैं, ये एक एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
कि जो ए जी ई है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए जी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड मीडियंस डिवाइड्स लाइंस इन इक्वल पार्ट, ठीक है। तो ये थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, एंड ये वाला 3/2, ठीक है, ये दोनों वन वन, ठीक है। तो इसमें हमको लेमडा पता है, म्यू ये वाली साइड पता है, बेस हाइट एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए ई का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 4 का इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस ये 2 म्यू का होल स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा, एंड 4 जा 16, 16 म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रायंगल बी जी डी में, ठीक है। बी जी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये भी हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर बी ई, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 16 म्यू स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 लेमडा स्क्वायर यानी 4 लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू प्लस का 8 आएगा, ठीक है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√2/15, √15, ठीक है। एंड अब हम लोग म्यू की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 2√2/√15 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2√2/√15, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू √15 माइनस ये कितना, √8, ठीक है, इसको √8 लिख सकते हैं। √15 माइनस √8 क्या बचेगा, √7, ठीक है, √7/√15, तो आ जाएगा √7/√15, ठीक है। तो यहां से लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7/4√15, ठीक है। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7/2√15, ठीक है, 2√15। तो ये आ गई म्यू की वैल्यू एंड ये आ गई लेमडा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये म्यू एंड लेमडा की वैल्यू आ गई, तो ट्रायंगल जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 3 × ट्रायंगल ए जी बी, ठीक है, ट्रायंगल ए जी बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 × 3 × 2 म्यू
इंटू टू लेमडा, ठीक है, एंड लेमडा म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 3 2 6, म्यू की वैल्यू क्या है, 2√2/√15 इंटू √7/2√15, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6√14/√15 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 15, तो आ जाएगा 6√14/15, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा इसका, ठीक है, म्यू की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी, ठीक है, एंड यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो 7/15 आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर भी 7/15 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 × 7/15 आएगा, ठीक है, अब जब इसको लैम्डा इज इक्वल टू कर देंगे तो आ जाएगा √7/√2/15, ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 d x4 y4, ठीक है, आर फोर पॉइंट्स, देन समेशन आई गोज टू 1 to 4 x1 square + y1 square लेस आर इक्वल टू 2 x1 x3 प्लस x2 x4 प्लस x1 x y1 y2 + y3 y4, ठीक है, तो ये दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारा ये दिया गया है समेशन, ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x1 square + y1 square + x2 square + y2 square + x3 square + y3 square + x4 square + y4 square, ठीक है, समेशन को ओपन कर लिया एंड क्या दिया है, लेस आर इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 x3 + 2 x2 x4 + 2 y1 y2 + 2 y3 y4, देखिए कुछ दिखने लगा होगा आपको, ठीक है, यानी x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर − 2 x1 x2 x1 x3 है, ठीक है, तो यहां पर x1 का स्क्वायर + x3 का स्क्वायर − 2 x1 x3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा x1 − x3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से +x2 and x4 x2 x4, तो आ जाएगा x2 का स्क्वायर − x4 का स्क्वायर + यहां से आ जाएगा y1 − y2 का स्क्वायर, देखो y1 y2, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, y1 y2 साथ में हो जाएंगे, ठीक है, प्लस y3 − y4 का स्क्वायर, ठीक है, ये y4 है, ठीक है, तो y3 − y4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, less or equal to 0, ठीक है, तो यहां से 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 0 है तो यानी वो खुद भी इक्वल 0 होंगे, यानी ये इक्वल 0, ये इक्वल 0, ये इक्वल 0 एंड ये इक्वल 0, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, x1 = x3, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा,
एक्स टू बराबर एक्स फोर, ठीक है, यहाँ से वाई वन बराबर वाई टू, ठीक है, एंड वाई थ्री बराबर वाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। कुछ ड्रा करेंगे। दिस ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। उसमें हमसे क्या कहा है, कहा है एक्स वन बराबर एक्स थ्री, ठीक है, यानी एक्स वन बराबर एक्स थ्री। मान लेते हैं हम लोग एक्स वन यहाँ पर है, ठीक है, तो एक्स वन बराबर एक्स थ्री, तो एक्स थ्री कहाँ पर होगा, जो एक्स वन बराबर एक्स थ्री, यानी एक्स वन है जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी जो एक्स वन होगा वो हमारा इस लाइन पे होगा कहीं, ठीक है, ठीक है। तो एक्स वन हमारा कहाँ पर होगा, इस लाइन पर होगा, इस लाइन पे कहीं होगा, ठीक है, एक्स वन हमारा, क्योंकि एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी जितनी एक्स वन की दूरी वाई से रहेगी उतनी एक्स थ्री की रहेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, एक्स वन बराबर ये आ जाएगा एक्स वन, ठीक है, एंड यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कहीं इस लाइन पे आएगा, ये नहीं पता कहां पर आएगा, ठीक है, एक्स थ्री, ठीक है। अब और उसने क्या कहा है, वाई वन बराबर वाई टू, ठीक है, एंड वाई थ्री बराबर वाई फोर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक्स वन आ गया तो यहाँ पर ये जो पॉइंट एक्स वन है तो यहाँ पर वाई वन आएगा, हमको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स थ्री आया तो यहाँ पर वाई थ्री आएगा, ठीक है। उसने क्या कहा है कि वाई वन बराबर वाई टू, यानी वाई वन बराबर वाई टू, यानी जिस लाइन पे वाई वन होगा उसी लाइन पे कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर वाई टू होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर वाई टू आ गया तो यहाँ पर एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, वाई थ्री बराबर एक्स, वाई थ्री बराबर वाई फोर, यानी जिस लाइन पे वाई थ्री होगा उसी लाइन पे वाई फोर होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर कहीं पर वाई फोर होगा, ठीक है, वाई फोर, एंड यहाँ पर क्या होगा, एक्स फोर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये कहीं नहीं दिया गया, ये दोनों इक्वल हैं, ये कहीं कहा गया नहीं कहा गया ना, तो किसकी संभावना ज्यादा है, तो एक्स वन है, तो ये जो होंगे हमारे ये क्या होंगे, ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो होंगे हमारे ए बी सी डी, ये क्या होंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। जो जो हमारा ए बी सी डी होगा ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर टू पैरेलल लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ थ्री वर्टिसेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम वन लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसने कहा है दो पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर टू, मतलब दो वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कहां पर है, वो हमारी कहां पर है, इन पैरेलल लाइन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे, ठीक है, दो वर्टिसेस, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है। तो उसने आगे क्या कहा है, आगे कहा है उसने, ठीक है, थ्री जो थर्ड वर्टेक्स है वो क्या है, डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो इन दोनों लाइन में से किसी एक पे 2 मीटर है, या यहां से, या इस लाइन से 2 मीटर, या इस लाइन से 2 मीटर तीसरी वर्टेक्स है, ठीक है। एंड ट्रायंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या कभी 2 पे आएगा, नहीं आएगा, यानी ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 3, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 आएगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2,
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रा कर दें तिरछा, ठीक है, एंड ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, अगर हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं 2, इसको क्या लेते हैं 3, क्यों 4, ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी है 6, ये दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कितनी 6, ये 2 हो गई, दिए कितनी बची 4, ठीक है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, यानी ये कितना होगा 60, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 माइनस थीटा, ठीक है, तो 120 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, इसकी साइड को मान लेते हैं ए। अब अगर ट्रायंगल इसमें देखें, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, तो ए कॉस थीटा यानी ए कॉस 120 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 4, ठीक है, यानी ए कॉस 120 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा 4, ठीक है। तो यहां से ए कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर ए 2, ठीक है, ये वाली 2 है, ठीक है। तो ये अब ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज दी गई है, इक्वेशन दी गई है, इसकी सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, तो अगर हम लोग लगाएं कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस 120 माइनस थीटा लगाएं, कॉस 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 20 एक्स 120 कॉस थीटा प्लस साइन 120 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 बाई ए, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 बाई ए, ए को हमने इस तरफ कर दिया इसमें, ठीक है, ये जो था ये था, इसको इस तरफ कर दिया ए, ठीक है, 4 बाई ए, इसमें क्या लगा दिया कॉस ए माइनस बी, ठीक है, तो यहां से क्या लगा दिया, कहां गया, हाँ ये कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 2 अपॉन ए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2 अपॉन ए, ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन ए, ठीक है, तो यहां से 2 अपॉन ए प्लस साइन 2 थीटा, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, ठीक है, इंटू अंडर रूट साइन थीटा को हम लोग क्या सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 बाई ए, यानी 2 बाई ए का होल स्क्वायर यानी 4 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बाई ए। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई ए प्लस 1 बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई ए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या आएगा रूट 1 माइनस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई ए इंटू 2 बाई रूट 3, ठीक है। तो यहां से क्या, इस दो अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू या 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 3 रूट 3 ए यानी 3 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको यहां पर करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो और ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 बाई 3, ठीक है, 100 बाई 3, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा
हंड्रेड बाई थ्री प्लस फोर यानी 4 2 12 यानी 112, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 112/3। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 112/3। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, फाइंड कर ली। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था हमसे, क्वेश्चन ने क्या कहा था, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल आर द पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस 6 मीटर, देन द फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स बतानी ट्रायंगल की। ठीक है, तो ए आ गई। ठीक है, ए हमने क्या माना था, इसको लेंथ माना था इसकी, ये ए। ठीक है, ये ए हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।